देहरा विधानसभा में 2 अक्टूबर देहरा की भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छता अभियान चलाया, 370 हटने पर कार्यक्रम आयोजित किया। आज देहरा विधानसभा क्षेत्र की मानगढ़ ढेग पंचायत के अंतर्गत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती एवं अनुच्छेद 370 एवं 35A को हटाने के ऊपर आयोजित कार्यक्रम में देहरा के लोकप्रिय नेता, भाजपा हिमाचल के वरिष्ठ एवं दिग्गज नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय ठाकुर रविंदर सिंह रवि जी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की एवं लोगों का मार्गदर्शन किया और स्वच्छता अभियान चलाया। इस अवसर पर प्रदेश सचिव विजयपाल स्वरणु जी, हरिपुर संसदीय क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री राम प्रकाश पटियाल जी, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता श्री विशाल पठानिया, जिला अध्यक्ष श्री नरेश चौहान, जिला महामंत्री श्री अरविंद धीमान, मंडल अध्यक्ष श्री सर्वदर्शन शर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री जगदीश ठगवाल, बूथ अध्यक्ष श्री कुलदीप, भाजपा युवा मोर्चा देहरा के जिला महामंत्री श्री रमन शर्मा, मंडल अध्यक्ष श्री रमनदीप ठाकुर जी, सोशल मीडिया प्रभारी श्री निषेध शर्मा, महामंत्री सौरभ ठाकुर तथा समस्त भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ऐसे दो महान महानुभाव इस धरती पर पैदा हुए जिनके कारण हमें आजादी मिली और आजादी के बाद इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने बहुत बड़ी भूमिका निभाने की। ऐसे हमारे महात्मा गांधी जी, जिनके बापू के नाम से हम जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, उनका जन्म जिस पूरा विश्व है, पूरा विश्व न केवल भारतीय पर पूरा विश्व आज के दिन में उनके काम करने के तरीके सीखे जो रहे हैं, जो उनका मार्गदर्शन रहा है, उसको देश का ना केवल देश बल्कि पूरा विश्व आज के दिन में मना रहा है। ऐसे ही हमारे दूसरे जो प्रधानमंत्री इस देश के दूसरे हुए नाट्य शिखर के श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान का, जिन्होंने कहा था कि जो अकाल पड़ा उसमें प्रधानमंत्री बहुत हुए। हमारे बुजुर्ग को यहां बैठे होंगे तो उनको याद होगा कि जब वो प्रधानमंत्री इस देश के रहे तो उसमें इस देश में भयंकर अकाल आया था, सारे का सारा अनाज विदेशों से आयात करना पड़ा था। उसमें उन्होंने साथ में युद्ध नहीं हुआ था पाकिस्तान के साथ, हमारा वो जीता नहीं था।